शनिदेव अभी अपने स्वराशिक कुंभ में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव 6 अप्रैल को दोपहर 3:55 पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। वहीं ज्योतिष आचार के अनुसार बताया गया है कि वैदिक ज्योतिष अनुसार शनिदेव सबसे धीमी गति से भ्रमण करते हैं, इसलिए एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए शनिदेव को लगभग 2.5 साल का समय लगता है। शनिदेव के गोचर करने से कुछ 3 राशियों को अधिक लाभ मिलने वाला है, तो जानिए वह कौन सी लकी राशियां हैं जिन्हें लाभ होगा। शनि बहुत धीमी गति से अपने मार्ग पर चलते हैं और धीमी गति से चलते चलते ये लगभग 30 साल बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि सबसे धीमी गति से भ्रमण करने वाला ग्रह है। ये एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, एक राशि के लगभग 3 नक्षत्र में वह भ्रमण करता है। तो शनि वर्तमान में कुंभ राशि में है, संचरण कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2024 को वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। किसी राशि के ऊपर इस नक्षत्र परिवर्तन का शुभ प्रभाव होगा, किसी किन्हीं राशियों के ऊपर अशुभ प्रभाव होगा और किन्हीं राशियों के ऊपर इसका प्रभाव मध्यम होगा। और 3 राशियों का भाग्य जो है वह चमकने जा रहा है। करियर में, कारोबार में जो नौकरी पैसा लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यह नक्षत्र परिवर्तन अपना प्रभाव दिखाएगा और 3 राशि के जातकों को विशेष रूप से वह लाभ प्रदान करने जा रहा है। पहली राशि है इसमें कन्या। कन्या राशि के लिए नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी है, क्योंकि तो शनि आपकी मित्र राशि में, बुध जो है वो शनि का मित्र है और आपकी राशि से छठवें भाव में यह भ्रमण करने जा रहा है। तो ये राजयोग राज सत्ता के साथ संपर्क बनाएगा, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्रदान कराएगा, शत्रुओं से विजय प्रदान कराएगा, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। सुख सुविधा और ऐश्वर्य की प्राप्ति कन्या राशि के जातकों को होगी। इसी प्रकार वृश्चिक राशि के लिए तो शनिदेव जो है आपकी राशि से चौथे भाव में भ्रमण करेंगे, तो भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे और नौकरी पैसा है तो प्रमोशन के योग बनेंगे, व्यापार इत्यादि आप कर रहे हैं तो उसमें लाभ की स्थिति आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार कुंभ राशि के जातकों को भी लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। कुंभ राशि के लिए गोचर कुंडली में यह नक्षत्र परिवर्तन जो है लग्न में होने जा रहा है, तो समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जो राजनीतिक लोग हैं, राज सत्ता पर बैठे लोग हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे लोगों के साथ इनका संपर्क बढ़ेगा, जिसका इनको लाभ होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ होगा, मान सम्मान में लाभ होगा और जो योजनाएं आप बना रहे हैं उन योजनाओं में भी सफलता की प्राप्ति होगी और उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा।